सभी को नमस्ते, मेरा नाम रूही चैनत है। जीवन में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो लोगों के जीवन को आकार देते हैं, लेकिन इस रास्ते ने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। हम पाकिस्तान के बाल्टिस्तान गिलगित क्षेत्र में हैं। हमने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है। हमने यहाँ आते समय लोगों को अपनी जान गंवाते हुए देखा है। सड़क बहुत खराब है। सबसे पहले तो इस सड़क को बेहद नजरअंदाज किया गया है। दुनिया के 9वें सबसे बड़े पहाड़ नंगा पर्वत के गाँव के लोगों ने इस रास्ते को बनाया था, और तब से ही इसे कभी वापस बनाया नहीं गया है। हमारा सफर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से शुरू हुआ था। हम एक बस में हैं और मुजफ्फराबाद की ओर जा रहे हैं, जहां हम अपने प्राइवेट ड्राइवर से मिलेंगे। सड़क के बारे में सोचते समय बस रुक गई और कैमरे वाले एक व्यक्ति ने सभी यात्रियों को अपने मास्क नीचे करने के लिए कहा और हमारी पहचान करने के लिए हमारे चेहरों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हम खतरे के जीरो पॉइंट पर हैं। चलो चलें। एक सफर जिसमें लगभग 12 से 15 घंटे लगेंगे। ये केवल यहाँ से गिलगित में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट तक का समय है। गिलगित पहुँचने के बाद हम दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते से फेरी मिडोज पहुँचने का प्लान बना रहे हैं। इसमें लगभग 24 घंटे लगेंगे। अभी हम काराकोरम हाईवे पर हैं। 1960 और 1970 के दशक में इसे पाकिस्तान और चीन के सहयोग से एक व्यापारिक मार्ग के रूप में बनाया गया था। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर और चीन के काशगढ़ शहर को जोड़ता है और ये बहुत खतरनाक है। सड़क के निर्माण के दौरान 1000 से ज्यादा मजदूरों की जान जा चुकी है। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी हो जाती है और यहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। सफर की शुरुआत से ही हमें पीछे मुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही हमें पत्थर के गिरने का डर भी लग रहा है, और इस पतली सड़क को पार करने के लिए अन्य गाड़ियां हमारी राह देख रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो यहां देख रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हो। हमारी कार पर एक पत्थर गिरा। हम देख रहे हैं कि हमसे 15 मिनट आगे जा रही एक मिलिट्री कार पहाड़ी से गिर गई। एम्बुलेंस बस अभी यहां पहुंची है। हाल ही में हुए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। अंत इतना करीब होता है। वो जिस जगह की ओर इशारा कर रहा है, कार वहीं से पलटी और लोगों की जाने चली गई। उन्हें एक एक करके कार से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ से कोई पत्थर नीचे गिर सकता है। बहुत सी चट्टानें ऊपरी हिस्सों से नीचे गिर रही हैं। आप वो जगह देखेंगे जहाँ से चट्टानें स्टील बैरियर पर गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारे यहाँ रुकने पर भी खतरा है। हमारे ऊपर कोई पत्थर गिर सकता है। क्या हमारे टायर में कोई लीकेज है? शायद एक कील घुस गई होगी। हमें एक विशाल पत्थर दिखाई दे रहा है जो कुछ ही मिनट पहले गिरी थी। हम इसके हटने का इंतजार कर रहे हैं। देखो, वहां एक पत्थर गिर गया। भरी हुई ट्रकें सड़क को और भी छोटा कर देती हैं। कार की आगे की खिड़की पर अभी अभी एक पत्थर गिरा। पाकिस्तान पहाड़ों से भरा हुआ है। दुनिया के 14 पहाड़ों में से 4 26,000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ इस क्षेत्र में हैं। उनसे गुजरने के लिए धैर्य, टैलेंट और बेहद हिम्मत की जरूरत होती है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जहां नालियां नहीं है, वहां से पानी निकल नहीं पा रहा है। सड़कें ढह गई हैं। खराब सड़कों से गुजरते समय हमारे पेट में मरोड़ हो रहा है। पीछे के दाहिने तरफ के टायर को निकालना पड़ा। क्योंकि हम इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अस्थाई समाधान के रूप में हमने इसमें हवा भर दिया। ये कैसे मुसीबत है। एक और घटना। लोग 20 मिनट से अपने हाथों से सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पहाड़ी से कोई पत्थर हमारे ऊपर आकर न गिरे। Come on, 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 come on
जब गाड़ियां गुजरती हैं, तो उनमें से एक रास्ता देने के लिए पीछे जाकर छिपने की जगह ढूंढती है। हमने काराकोरम में आज तीसरा एक्सीडेंट देखा है और हम अभी तक सबसे खतरनाक जगह पर पहुंचे भी नहीं हैं। ये सब हमें दिखाता है कि हम कितना बड़ा खतरा उठा रहे हैं और डर से हमारे पेट में और भी अधिक दर्द हो रहा है। थोड़ी ताजी हवा ले लो। तेजी से बहती धाराएं और बड़े बड़े पहाड़, काराकोरम खतरों से भरा पड़ा है। सड़क पर हमें जो दृश्य दिखते हैं वो हमें आकर्षित करते हैं और हमें अपनी सुंदरता से खतरे में डालते हैं। ये ब्यूटीफुल पानी। आखिरकार हम वहां से गुजर गए। इसका अनुभव किए बिना सबसे खतरनाक सड़क तक पहुंचना अधूरा होता, क्योंकि ये अपने आप में एक और खतरनाक अनुभव है। हमने यहाँ लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में नीचे गिरते हुए देखा है। हम शून्य में हैं। लगभग 12 घंटों के बाद हम आखिरकार उस सड़क के अंत तक पहुंच ही गए जिस पर हमने सुबह 11 बजे से आगे बढ़ना शुरू किया था। अभी रात के 10:53 हो रहे हैं। असली सफर रात के बाद शुरू होगा। हम सोएंगे, वापस अपनी एनर्जी प्राप्त करेंगे और दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर निकल पड़ेंगे। खैर, हम उस होटल में पहुंच गए जहां हम रुकने वाले हैं। ये टॉयलेट एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर जगह मकड़ी के जाले हैं। उनमें कई सारे कीड़े फंसे हुए हैं। उन्होंने वहाँ एक मिसवाक रखा है जो दांतों की सफाई करने के लिए है। ऐसा लगता है कि हर मेहमान एक ही मिसवाक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ लग रहा है। ये बेहद खराब टॉयलेट है। आज की रात बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। ये सड़क इतनी खतरनाक है कि हमारा ड्राइवर हमें वहाँ नहीं ले जा सकता है जहाँ हम जा रहे हैं। असल में आपने देखा होगा कि वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। हालांकि ये सड़क हर एक ड्राइवर के लिए नहीं बनाई गई है। इस सड़क की चुनौतियाँ उसके ड्राइवर स्किल से भी अधिक है। वो एक यात्री के रूप में हमारे साथ आने वाला है। क्या ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है? प्रॉब्लम। हम यहाँ अपना कैमरा लगाएंगे। ठीक है। आपके पास सीट बेल्ट नहीं है? चलो चलिए, सेफ्टी बैरियर ऊपर उठ रहा है। हमारी सांसें रुक रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सड़क अलकतरे से नहीं बनाई गई है। न तो स्टील बैरियर है और न ही कोई अलकतरा। लैंडस्लाइड या पत्थर गिरने की स्थिति में कोई सुरक्षा नहीं है। हम सिर्फ बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। काराकोरम हाईवे से निकलने वाला फेरी मीडोज का रास्ता हमें पतली चढ़ाई वाले तातों गांव तक ले जाएगा। आखिरी स्टॉप फेरी मीडोज है। बादलों के बीच से गुजरते हुए आसमान से देखे जाने वाला ये नजारा 10,800 फीट की ऊंचाई पर है। कई एडवेंचरर तो वहां तक पहुंचना चाहते थे, मगर उन्होंने बीच सड़क में ही अपनी जानें गंवा दी है। उफ, इस सड़क में बहुत उतार चढ़ाव है कि हमारे सिर को स्थिर रखने के लिए हमारी गर्दन की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम सड़क पर नहीं ऑफ रोड पर जा रहे हैं। वे सड़क भी नहीं बना सके। हम अभी बस शुरुआत ही करने वाले हैं। हम अभी तक खतरों तक नहीं पहुंचे हैं। दुनिया के 9वें सबसे बड़े पहाड़ नंगा पर्वत के ग्रामीणों ने सड़क को बनाया था, और तब से ही इसे दोबारा नहीं बनाया गया है और न ही इसे ठीक किया गया है।
हमारे ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त अपनी नजरें सड़क पर रखनी चाहिए, जिसकी वजह से न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं। 16.2 किलोमीटर लंबा कंकड़ वाला रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि कभी कभी दुर्घटना स्थलों पर गिरे और मारे गए लोगों के स्मारक यहाँ देखे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि हमें आगे कोई भी स्मारक ना दिखे और हम अपनी प्रेरणा बनाए रखें। नीचे देखिए दोस्तों, कोई सुरक्षा नहीं है। इसके अलावा हवा भी थोड़ी तेज चलने लगी है। एक कार को चट्टानों से गिरने और आग लगने से रोकने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। जैसा कि आप पहले ही देख सकते हैं कि हम चट्टानों पर से गुजर रहे हैं। लैंडस्लाइड से न केवल हमारे सिर पर एक पत्थर गिरेगी, बल्कि इसकी वजह से हम फिसल कर नीचे भी गिर सकते हैं। हम वास्तव में पतले रास्तों पर चलना शुरू कर रहे हैं। एड्रेनलिन अब बढ़ता जा रहा है। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क, हमारे नीचे चट्टाने हैं। अगर कार गिर जाती है तो हम निश्चित रूप से अपनी जान गवा बैठेंगे। बहुत खतरनाक, बेहद खतरनाक। इन सड़कों को देखें, ये साइड से और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। वहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं है। लैंडस्लाइड ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया है। हम बादलों में हैं। हम और भी अधिक चढ़ाई करेंगे। हम वास्तव में अभी सड़क की शुरुआत पर हैं। यहाँ कोई फोन का सिग्नल नहीं है। अगर हमें यहाँ कुछ हो जाता है तो हम किसी तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। यहाँ कोई भी नहीं है। ये रास्ता बेहद घातक है। स्थानीय लोग इसे कब्र की सड़क कहते हैं। मुझे आशा है कि ये हमारी कब्र की सड़क नहीं बनेगी। ये एक बहुत ही अजीब अनुभव है। हम इन पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। हमें आगे लंबा रास्ता तय करना है। यहाँ हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। वे कह रहे हैं कि बर्फ भी पड़ने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम प्रकृति की गोद में हैं। पाकिस्तान। मौसम बिगड़ता ही जा रहा है। हमारी जीप सड़क पर फंस गई है। हाँ ऐसा क्यों? इस तरफ का जोरत नहीं है। इस मेरी तरफ में जोरत है, उसको थोड़ा ऊपर से थोड़ा पत्थर सो। इसे थोड़ा ठीक करने के बाद हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हवा और बारिश बढ़ती ही जा रही है, इसलिए चट्टानें हम पर गिर सकती हैं। मैं जल्द से जल्द सफर खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ इस पल को जीना हर सेकंड में सांस रोकने के बराबर है। हर बार मुड़ते समय हमारी हथेलियों और तलवों पर पसीना आ रहा है। आप ब्लाइंड स्पॉट्स पर इस प्रकार के हॉर्न की आवाज सुनेंगे। शार्प टर्न पर ड्राइवर्स एक दूसरे को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गिरी हुई चट्टान, वो इसे दूर कर रहा है ताकि सड़क ब्लॉक न हो जाए। ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। हम जो अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए शब्द काफी नहीं है। यहाँ तक कि ये फुटेज भी स्थिति को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी पतले मोड़ से गुजरते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि हम अपने कार के टायरों के पास से शुरू होने वाली चट्टानों को देख न सकें। अगर कुछ भी गलत होता है तो सब कुछ मानो खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ नहीं फंसेंगे। कार में कोई समस्या है? खैर, ड्रोन ऑटो पायलट मोड में चला गया और एक पत्थर से टकरा गया। ओह, भयानक लग रहा है। इन चट्टानों से गुजरते समय इसका सिग्नल कनेक्शन चला गया था। जब इसका कनेक्शन चला जाता है तो ये रिटर्न बैक होम मोड में चला जाता है। रिटर्न बैक होम मोड में ये खुद से ऊंचाई को एडजस्ट नहीं कर पाया। ये जितना ऊपर उठना चाहिए था उतना नहीं उठा। सीधे जाते समय वो इनमें से एक पहाड़ी से टकरा गया। मैं बहुत हैरान हूँ, लेकिन कम से कम हम रिकॉर्डिंग को सेव कर पाए हैं। अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं हुआ है। जिंदा रहना अच्छा लगता है। सच कहूं तो पूरे सफर में हमें कार में चोट लग रही थी। हर गड्ढे पर हमें चोट लग रही थी। अक्सर सड़क इतनी पतली हो जाती है कि हमें जीप से उतरकर देखना पड़ता है कि हमारी गाड़ी वहां से गुजर सकेगी कि नहीं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर से कभी भी कुछ भी गिर सकता है। इस सफर को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। हम वापस भी नहीं जा सकते हैं। गाड़ियों के यूटर्न लेने के लिए जगह नहीं है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता को देखें। उस पेड़ को देखें, वो किसी तरह हॉरिजॉन्टल विकसित हुआ है। पत्थर पर बहुत फिसलन है, बहुत गीली।
ये पुल जो मुड़ गया है ऐसा ऊपर से गिरने वाले पत्थर की वजह से हुआ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना असंभव हो गया है, इसलिए हम पतले मोड़ पर जाएंगे। मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा, वे नहीं चाहते थे कि हम यहाँ रहें क्योंकि पत्थर के गिरने की संभावना अधिक है। इस पॉइंट के बाद जीप के गुजरने के लिए रास्ता बहुत पतला हो जाता है, इसलिए हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। बाहर बहुत ठंड है, ये कहाँ पर है? क्या पिरामिडोस इस तरफ है? पिरामिडो पैदल जाए 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे ठीक है, लेटर गरम हो जाओ। बट नाउ टुडे इज रेनी डे, यू नो द रोड इज गोइंग टू ऑन द माउंटेन, यू नो लिटिल बिट स्मॉल स्टोन इज कमिंग फॉल। ये तातो गांव है, काफी लंबे समय से लोग यहाँ रहते आए हैं, अब उस पुरानी सभ्यता के पोते पोतियाँ यहाँ रहते हैं। इस गांव के बाद और कोई भी बस्ती नहीं है। हम लगभग 3 घंटे पैदल चलेंगे और हम पहाड़ियों से गुजरेंगे। हमें अपने रास्ते में बहुत सी पहाड़ी बकरियां दिख सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश हुई है, मौसम बहुत ठंडा है। ये लगभग 36 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे हम भीगेंगे हमें ठंड का एहसास होगा। तातो गांव में लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं क्योंकि ऊंचाई अधिक है, इसलिए उनके फेफड़े हमसे अधिक चौड़े हैं। उनके अंग उसी के आधार पर विकसित हुए हैं। यहां अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 80 से 90 साल की उम्र में हो जाती है तो ये माना जाता है कि उनकी उम्र जवानी में हुई है। हमारे लिए 80-90 बहुत बड़ी उम्र है। 30 मिनट तक हम पैदल चले और थोड़ी चढ़ाई की। बकरियों का झुंड, ये बहुत ही मजबूत जानवर होते हैं। यहाँ समय समय पर भालू भी दिखाई देते हैं, लेकिन हर साल इनकी गिनती कम होती जा रही है। हम वास्तव में उनके प्राकृतिक वास को छोटा करते जा रहे हैं। भैया कितना हुआ? 3000 2000 दोनों का दो, एक बंदे का दो, तीन दो दो 2500 वो अब मान भी जाओ। हम अपने घोड़ों पर हैं। अब हम घोड़े पर सवार होकर फेरी मिडोज जा रहे हैं। हमने उन लोगों को घोड़ों के लिए 5000 रुपए का भुगतान किया है, जो कि लगभग $67 है। हम अपने घोड़ों की मदद से जाने और वापस आने की यात्रा करेंगे। अगर घोड़े हमारे साथ असहज महसूस करते हैं या हम घोड़ों को गुमराह कर देते हैं तो ये हमारे चट्टानों से गिरने का कारण बन सकता है। ये थोड़ा तेज हो गया, देखिए जैसे कि अपने आप ही चल रहा है। अगर कोई आदमी इसे नहीं पकड़ रहा तो वो वहाँ जा सकता है। अगर घोड़े का पैर गड्ढे में चला जाता है या वो गलत जगह पैर रख देता है तो हम गिर भी सकते हैं। जरा यहाँ देखें, एक मामूली सी गलती भी यहाँ मौत के बराबर है। हम बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम घोड़ों को शांत और नियंत्रित रखें। क्योंकि अब हम घोड़ों पर बैठे हैं इसलिए हमें और भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। हमारे घोड़े आराम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? My fingertips are completely numb. When I switch on and off the camera, I don't feel I'm turning the button. बर्फ को देखकर बताया जा सकता है हम ऊपर पहुंचने के और भी करीब हैं। हमारी बस 30 मिनट की दूरी बाकी है। सड़क और भी अधिक खड़ी हो गई है। अगर आप एक दिन इस सड़क पर आती हैं, तो आपके अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए। वहां थोड़ा कठिन है। उम्मीद है ये गलत जगह पैर नहीं रखेगा। नजारों को देखने के लिए हमने इन सड़क को चुना और हम लगभग 24 घंटे पीछे हो चुके हैं। कुछ एडवेंचर्स को इसमें अपने जीवन की कीमत भी चुकानी पड़ी है। बेशक यहाँ कई सारे होटल हैं, घोड़ों के पैर यहाँ फिसल सकते हैं। हम कीचड़ में हैं। मेरा घोड़ा बहुत तेज सांस ले रहा है, ये निश्चित रूप से थक चुका है। हम आखिरकार फेरी मिडोज पहुंच गए। ये रहा फेरी मिडोज। हम भीग चुके हैं और बेशक इससे चीजें और भी मुश्किल होती जाती हैं। हम इस तरह की एक अनोखी जगह पर हैं। उन्होंने हमें गर्माहट देने के लिए कोई जगह खोली। आपका नाम क्या है? हम यहाँ खुद को सुखाएंगे और फिर अपने सफर को जारी रखेंगे। मेरी उंगलियां भी सुन्न हो गई हैं। उन्होंने हमें यहाँ चाय पिलाई। अब हमारे शरीर के साथ साथ हमारे अंदरूनी हिस्से भी गर्म हो चुके हैं।
कोहरा होने के कारण हमें नजारा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यहाँ का एहसास वाकई खास है। इस अनोखी जगह को देखने के लिए हमें लाहौर शहर से राजधानी इस्लामाबाद तक आने में 5 घंटों की बस की सवारी करनी पड़ी। इस्लामाबाद से गिलगित क्षेत्र तक 12 घंटे की बेहद खतरनाक कार यात्रा करनी पड़ी। उस क्षेत्र से दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क तक 3 घंटे का जीप एडवेंचर, फिर हमने 30 मिनट की थका देने वाली ट्रैकिंग की और अंत में 2 घंटे की घुड़सवारी भी की। आखिरकार हम लक्ष्य तक पहुंच गए, फेरी मेडोज। हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए गोप्रो, 2 मिररलेस कैमरे, 6 लेंस और 1 ड्रोन लाए हैं। हमारा ड्रोन सड़क पर ही खराब होकर टुकड़ों में बिखर गया। सफर के अलावा लागत और समस्याएं जिनका हमें सामना करना पड़ा। इस वीडियो की एडिटिंग और एनिमेशन प्रोसेस में बहुत मेहनत लगी है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में हमें पूरे 1 महीने का समय लगा है। हम दुनिया के सबसे खतरनाक सड़क के अंत पर आ ही गए। आखिरकार हम टॉप पर हैं। प्रकृति यहाँ बेहद खूबसूरत है। पाकिस्तान एक बहुत ही अनोखा देश है। ये पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत परिदृश्यों में से एक है। पाकिस्तानी लोगों का आतिथ्य कमाल का था। मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मैं और मेरी टीम आप तक मूल्यवान और दुर्लभ जानकारी लाने के लिए दुनिया भर की यात्रा करना जारी रखेंगे। अगर आप यात्रा करने के खर्च में मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन को इनेबल करता हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपके सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है रूही चनत और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।